तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट टू में। नॉर्मली ये सीधा ही है, पहाड़ जैसा सीढ़ी तो ख़त्म हो गया, अभी आराम से 200-200 सीढ़ी हो रहा है। इसके पहले हम लोग सौ सौ सीढ़ी चढ़ रहे थे एक एक मिनट में, और एक मिनट आराम कर रहे थे, अभी आराम से चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मली है सीढ़ी, अभी जगह जगह पे पानी का पियो बना के रखा है, पानी भी बहुत ठंडा है। ये विष्णु का एक और अवतार है, श्रीराम अवतारम। तो दोस्तों विष्णु भगवान का ये एक और अवतार है, बलराम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बाईपास है, और हम यहाँ से नीचे से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडरपास से जा रहे हैं, ऊपर से गाड़ी जाएगी और नीचे से हम जा रहे हैं। ये देखिए रोड है, ये विष्णु भगवान का एक और अवतार है श्री कृष्ण। तो दोस्तों विष्णु भगवान का ये एक और अवतार है, कली का अवतार हम। तो दोस्तों अभी डिस्टेंस है 4.4 किलोमीटर, अभी बैलेंस है, काफ़ी चल रही है, फिर भी डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। कन्या ये पक्षी देख रहे हैं आप, ये जब हम छोटे थे तभी देखने मिलता था, अभी तो देखने मिलता ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ ये गिलहरी देखिए, यहाँ ही देखिए, इसका पूछ देखिए और इसका कलर देखिए। दोस्तों देखिए अभी जस्ट रोड के साइड ही पहुँच गए, ये फुट ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। अभी रोड पे रहेगा ज़्यादा करके। तो दोस्तों अभी बाईपास रोड है जो जिसमें बस भी सब चलती, उधर आ गए, अभी सीढ़ी लगता ख़त्म हो गया, अभी बाई रोड है, चलते आप देखिए। देखिए अच्छा बनाया है, साइड में से गाड़ियाँ जाती रहती है, और आप उनको फुटपाथ अच्छा बना के रखे, ऊपर शेड भी है। देखिए जंगल का ये सब पहाड़ चढ़ के आए ले अभी। तो दोस्तों अभी भी 2.4 किलोमीटर बाकी है, अभी अपन आए ले मुक्काल मिट्टा गोपुरम, आप देख सकते हैं। और यहाँ मुक्काल मिट्टा गोपुरम का मतलब है घुटने से चढ़ने का, इसलिए देख सकते हैं आप ज़्यादा जन घुटने से चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 2900 सीढ़ी हो चुकी है, अब यहाँ से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं सब घुटने से ही चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली 3000 आ गए और 550 बैलेंस है। तो दोस्तों लाइन में आ गए, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ऐसा सटे पे, देखिए 36 घंटा लग रहा है, ये बाहर है।
अभी पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन हमने 5 घंटे रुक के नंबर लगा दिए थे तो हमें थोड़ा जल्दी नंबर आएगा। दोस्तों जो टोकन लिया था हम लोग ने उधर लाइन लगा के, लगता है कुछ स्पेशल वाला ही है क्योंकि लाइन में कोई भी नहीं, हम लोग 4-5 जन ही है। चल चल के पैर दर्द करने के लिए पूरा लाइन खाली है, पता नहीं अभी कौन से स्टेडियम में रखेंगे हम लोग को, कैसा टाइम टू टाइम छोड़ते उधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, पूरा रोड खाली, आप देख सकते हैं पीछे देखो 4-5 जन ही आ रहे खाली, तो चलते आगे तक के दोस्तों। तो दोस्तों पिछले 1.5 घंटे से एक ही जगह पे बैठे, पहला पूरा तो खाली था, अभी 1.5 घंटे से हो गया जहाँ बिठाए थे वहीं, अभी पता नहीं कितना टाइम लगे लेकिन लगा कि 11 बजे तक तो दर्शन हो जाएगा। ओके तो दोपहर के 12 बज गए और फिलहाल हम बाहर आए हैं शॉपिंग करने, कल दर्शन करते करते 11 बज गए। हम लोग को क्या स्पेशल दर्शन का पास मिला था, लाइन लगा के लिए थे 4 घंटा, उससे क्या 4 घंटे में दर्शन हो गया और नॉर्मल दर्शन 36 घंटे का दिखा रहा था। तो रात को हम लोग शाम को 6 बजे लाइन में लगे, सुबह 11 बजे तक दर्शन हो गया, लेकिन भगवान के लड्डू लेने गए तो उधर ही 1 घंटा हो गया क्योंकि गर्दी बहुत ज़्यादा ही थी और बरसात गिरने लगी थी रात को। तो अभी जा रहे हैं भगवान का प्रसादम खाने, भोजनालय जो भगवान का उधर, तो जाते हैं उधर। और दोस्तों आप देख सकते हैं बालाजी भगवान का फोटो, ऐसी ओरिजिनल है, अंदर मंदिर के अंदर भी है, तो ये बाहर लगाए ले टूरिस्ट को फोटो खींचने के लिए, आप देख सकते हैं। और जो भगवान का पूरा जैसा हो गया, सबसे ऊपर देखिए सोने का गोपुरम हो गया, ऐसा लाइन से भगवान का जो मंदिर का स्ट्रक्चर वो सब इधर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पब्लिक सब फोटो सेशन कर रहे हैं, इस बराबर सर्कल के ऑपोजिट साइड ही है। ओके जाते हैं, अपनी सीधा रास्ता पकड़ के जाना है अपने को प्रशासन सेंटर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं PAC 4 फ्री कॉमन लगेज डिलीवरी सेंटर, आप कभी भी तिरुपति अगर आपको लॉकर नहीं मिले तो आप डायरेक्ट दर्शन करने चले जाइए, उधर मोबाइल और बैग का लॉकर रहता है, उसमें आप जाएंगे तो वो आप लेके आपको एक साथ ही पैक करके आप दर्शन करने के बाद यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, बराबर मंदिर के बाजू में ही। ये देखिए ये उसका वो, आपका मोबाइल भी ले लेगा, बैग भी ले लेगा, ये देखो ये है। तो आप जब भी कभी तिरुपति आए तो आपको लगे कि आपको लॉकर नहीं मिला तो आप डायरेक्ट दर्शन को चले जाइए, आपका जो नॉर्मल जो भी मोबाइल हो गया बैग हो गया सब आपको इधर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने ये मंदिर है, जो बैगेज वाला आपने देखा था ये बैगेज वाला है, तो बैगेज के सामने मंदिर और इसके सामने ये देखिए आप अन्न प्रसादम सेंटर, सब सामने सामने है और ये रास्ता है, अब जाके प्रसादम खाएंगे। ओके तो हम आ गए प्रसादम में, प्रसादालय में जा रहे हैं अभी उधर ही। मंदिर के राइट साइड ही है, आप देखेंगे कभी भी वो देखिए सामने। आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग से ही जाइए। तो हम अंदर आ गए, आप देख सकते हैं गर्दी, वॉकिंग कर रहे, तो दोस्तों अब हम अंदर आ गए हैं, काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। तो दोस्तों अपन फर्स्ट फ्लोर पे, अभी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर था इसके लिए फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं। पूरा तिरुपति इसमें ही है, आप देख सकते हैं 7 हिल बालाजी भगवान है। तो हम प्रसादम के अंदर आ गए, आप देख सकते हैं सबकी थाली सज गई है, केले के पत्ते पे मिलता है खाना, काफी बड़ा हॉल है आप देखिए।
और केले के पत्ते पे देते हैं। देखिए आपको बताऊंगा इसका क्या क्या खाना आएगा इसमें। तो दोस्तों अभी जस्ट प्रसाद खा के बाहर आए, लें काफ़ी टेस्टी था, चावल था, रसम था, सांभर, छाछ, भाजी, खीर, चटनी, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी टेस्टी भी था। तो अभी तो खा चुके हैं, अब जाएंगे आराम करने अपने लॉकर के इधर। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू है बाहर से। यहाँ पे जो भगवान को नारियल फोड़ना पड़ता है वो यहाँ सवा के फोड़ते हैं, ये अंदर नारियल फूल अलाउड नहीं है। तो दोस्तों ये मंदिर का सोने का गुंबद है, आप देख सकते हैं। तो ये व्लॉग यही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। First things first, I'ma say all the